अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम फातिमा है। मैं 4C की तालिबा हूँ। मेरा रोल नंबर 1 है। पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम मनसा था और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपए पैसे अच्छे खासे थे, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैशाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकलने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा बहुत तैयार चाह के कोई मजदूर मिले मगर ना मिला। उधर आसमान पर दो एक दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी गड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं। दोपहर को उन्हें पूड़ियाँ खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई में तेल डाला। बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूड़ियाँ डालनी शुरू की। कुछ पूड़ियाँ पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू जाने कहाँ से आ गया। नाक से बराबर सुड़ करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़ कर खींचा और नाक पोंछी। गुड़िया कढ़ाई में जो पूड़ी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा के बद्दू की माँ ने इसका जरा ख्याल ना किया। पूड़ी झट कढ़ाई में से कूद कर भाग खड़ी हुई के तुम बद्दू की नाक पोछो, मैं तो चली। बद्दू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े मगर वो कहाँ हाथ आती। घर से निकल कर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि
कच्ची पकी पकाई पूरी यू पास से भागी भागी जा रही है तो ओ तो काम छोड़ कर उसके पीछे हो लगे मगर वो उनके हाथ ना आई। खेत से निकल कर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। भी पूरी एक भट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टी पाँव लौटी और ये कहती हुई भागी, भी लोमड़ी मैं तुम्हारी बस की नहीं। लोमड़ी ने कहा, ठहरो, तेरी शेखी का मजा तुझे चकाती हूँ। वो पीछे पीछे लपकी मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान का मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर से उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को झट कर ले। पूरी ने कहा, अजीबी लपलप मैं तुम्हारी बस की भी नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी। आगे मुंह बड़ा कर कहने लगी, बी लोमड़ी क्या कहती हो, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजीबी लपलप इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा हप और आधी पूरी अपने उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके 5 बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा मगर वो ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते उस आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं। कहीं से उसका पता चले तो निकाल लें। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम।